हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए किसी भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है इमली ट्रेडिंग ऐप के बारे में पूछे कि क्या ये जो ऐप है रियल है फेक है, इस ऐप पर हमें ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि क्या ये जो ऐप है वो रियल है फिर फेक है। सो बेसिकली दोस्तों, अगर आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप पर ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐप पर जो है अर्निंग करने जा रहे हो, उसका पहले रिव्यूज वगैरह जरूर चेक करें। या तो आप मेरे चैनल पर रिव्यू चेक कर सकते हैं या फिर वो कोई अन्य चैनल पर भी रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो हाल ही में दोस्तों एक जो है सब्सक्राइबर का कमेंट आया था इमली ऐप के बारे में कि इस पर भी वीडियो बनाइए, इस ऐप के बारे में हमें प्रॉपर डिटेल्स दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर साइनअप किया है तो किसी भी तरीके का कोई भी नंबर डाल के आप यहाँ पर इजीली जो है साइनअप कर सकते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। या फिर इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपसे किसी भी तरीके का कोई भी ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाता है और ना ही दोस्तों आपसे यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन मांगा जाता है। प्लस बात करें दोस्तों इस वेबसाइट की या फिर दोस्तों इस ऐप की, तो अगर आप इस ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपसे किसी भी तरीके का कोई भी जो है लॉगिन बोनस या जो हमें साइनअप बोनस मिलता है वो नहीं मिलता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर रेफर वेफर का भी जो है कॉन्सेप्ट है, अगर रेफर करते हो तो थोड़ी बहुत आपके यहाँ पर अर्निंग हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म है वो रियल है या फिर फेक है, यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो आपको एक नहीं दोस्तों, मैंने हजार बार कहा है कि अगर जिस भी वेबसाइट है जो भी प्लेटफॉर्म आपसे ओटीपी वेरिफिकेशन ईमेल वेरिफिकेशन नहीं मांगता है, कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म में या फिर उस वेबसाइट में कुछ ना कुछ झोलमाल जरूर होता है। बात कर ले दोस्तों इस ऐप की, तो अगर भाई इस ऐप में अगर आप रिचार्ज करने जाओगे या कोई भी अमाउंट रिचार्ज करने जाएंगे तो यहाँ पर मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है 2000 रुपीज़। एंड दोस्तों आप कहीं ना कहीं इसके एड वगैरह या फिर यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख के आते हैं एंड सोचते हैं कि यार आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे, बहुत सारे पैसे निकाल लेंगे। यही गलती सबसे बड़ी आप करते हैं दोस्तों, पहले उसके बारे में प्रॉपर डिटेल नहीं लेते हो और बस यहाँ पर साइनअप कर लेते हो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पैसे कमा भी लोगे, अर्न भी कर लूंगे, लेकिन उन पैसों को दोस्तों आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आपका जो विड्रॉल है दोस्तों बार बार फेल होगा और यही इश्यू आएगा दोस्तों आपको बार बार। आप इनके कस्टमर सपोर्ट से भी बात करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे बात कर ले, चाहे वो टेलीग्राम पर बात कर ले, तो वहां पर भी आपकी समस्या का कोई भी निदान नहीं होगा। ये बात याद रख लीजिएगा जरूर दोस्तों। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ भी और जानना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का आंसर जरूर मिलेंगे। एंड अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो मैं तो इस वेबसाइट या फिर इस प्लेटफॉर्म या फिर इस ऐप को अनसेफ या फिर दोस्तों फेक कहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।